नमस्कार एवं स्वागत। मैं आलोक माथुर आपको हिंदी सिने जगत के एक महान प्रभावशाली संगीतकार श्री खेमचंद प्रकाश साहब, जिन्होंने अपने समय में विशेष संगीत शैली की प्रधानता युक्त धुनों से कई यादगार और सदाबहार नगमों का निर्माण किया और सिने जगत में एक विशेष पहचान बनाई। खेमचंद प्रकाश साहब का जन्म राजस्थान प्रदेश में 12 दिसंबर 1907 को हुआ था। आपकी संगीत शिक्षा एवं नृत्य कला शिक्षा का प्रशिक्षण आपके पिता द्वारा, जो राष्ट्रीय सभा के ध्रुपद गायक एवं कथक नृत्यांगन थे, फिर वे नेपाल राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुति देने लगे। वहीं खेमचंद साहब भी गायन करने लगे, पर किस्मत उन्हें कलकत्ता ले आई और वहाँ उन्होंने लेजेंडरी न्यू थिएटर ज्वाइन कर लिया। वहाँ उन्हें फिल्म देवदास 1935 में संगीतकार तिमिर बारन के सहायक बनने का सुअवसर मिल गया और 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए एक हास्य गीत लोक हालो मैडम के गायन का मौका भी मिला। फिर ये बम्बई कूच कर गए, जहां उन्हें 1939 में सुप्रीम पिक्चर बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें तथा गाजी सलाउद्दीन में संगीत कंपोजिशन का मौका मिला और तत्पश्चात शीघ्र ही बतौर संगीतकार रंजीत मूवी टॉन फिल्म स्टूडियो के लिए अनुबंध प्राप्त हो गया। अपने शुरुआती वर्षों में रंजीत मूवी टॉन ने कुछ विशेष फिल्मों जैसे दिवाली, होली एवं फरियाद का निर्माण किया, जिसमें खुर्शीद साहब मुख्य गायक थे तथा इन्हीं के साथ 1940 की शुरुआत में बहुत से हिट सॉन्ग्स दिए। इनकी रंजीत स्टूडियो के संग 1943 में जबरदस्त हिट फिल्म तानसेन आई, जिसमें केएल सहगल साहब द्वारा गाए कई गीत जैसे दिया जलाओ, जगमग जगमग तथा सप्त सुरन 3 ग्राम ने बहुत जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त की और प्रसिद्धि पाई। 1948 का वर्ष फिर इनके करियर की एक और सफल फिल्म जिद्दी लेकर आया, जिसमें मुख्य गायक के रूप में किशोर कुमार, जो नायक देवानंद साहब की आवाज़ बनी, इनके द्वारा गाया गीत मरने की दुआ क्यों मांगूं और लता मंगेशकर के स्वर में चंदा जारे जा ने अपार लोकप्रियता ग्रहण की। जिद्दी की अपार सफलता के बाद 1949 में एक और सुपरहिट फिल्म महल आई, जिसमें लता जी द्वारा स्वरबद्ध गीत आएगा आने वाला आएगा ने खूब धूम मचाई, जिस गाने की शुरुआती लाइनें खामोश है जमाना कमाल अमरोही साहब ने कलमबद्ध किया था और जिन्हें नक्श साहब ने पूरा किया था। पर खेमचंद प्रकाश अपनी सफलता को आंखों से ना देख पाए। फिल्म महल के प्रदर्शन से पूर्व ही 10 अगस्त 1949 को 41 वर्ष की उम्र में लीवर सिरोसिस बीमारी के कारण अकाल मृत्यु द्वारा ग्रसित कर लिए गए। भले ही खेमचंद साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके सदाबहार यादगार गीत हमारे दिलों को छू जाते हैं। उन्हीं में से एक गीत जो कि मेरे दिल के करीब है, उसकी कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहता हूँ। दिया जला जगमग जगमग, दिया जला दिया जला दिया जला, जगमग जगमग दिया जला दिया जला दिया जला दिया जला। उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को
लाइक शेयर और कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।